बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ये देख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दिनों से, सालों से, महीनों से और उसकी जिंदगी से बरकत उठती जा रही है। अब हमें पता ही नहीं चलता, एक दिन गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, महीना गुजर जाता है और साल भी गुजर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने कुर्बे कयामत की एक निशानी ये भी जिक्र फरमाई थी कि दिनों से, वक्त से बरकत उठ जाएगी। अब इंसान बेबरकती का कार हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हम कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं। इंसान ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में बरकत आ जाए, इंसान ये चाहता है कि मेरे वक्त में बरकत आ जाए। इसके लिए दो काम इख्तियार करें। एक काम ये है कि एक तो वजीफा आपको मैं दूंगा, वो वजीफा अगर आप रोजाना 3 मरतबा पढ़ लें, आपके वक्त में, आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में, जमाने में बरकत आ जाएगी। लेकिन एक अमल ये है कि आप सिला रहमी करें। सिला रहमी यानी हर एक से प्यार मोहब्बत करना और खास तौर पे अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, अपनी औलाद से, अपने दोस्तों से, अपने खानदान बरादरी से, तायाजाद, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, उनसे नफरत, गुस्सा, लड़ाई। जो इंसान अपने घर के लोगों से, बहन भाइयों से और बीवी बच्चों से, वालदैन से, अपने खूनी रिश्तों से लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी जिंदगी से बरकत उठ जाए और उसकी उम्र में बरकत नहीं रहती। इसलिए जो लंबी उम्र पाता है और लंबी उम्र पाना चाहता है, उसे चाहिए कि हर एक से प्यार मोहब्बत करे, बहुत दिल से निकाल दे, हसद निकाल दे, किसी का कीना निकाल दे। ये अंदर से बंदे को जला के, कमजोर करके मौत के मुंह में ले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो हासिद होंगे, जो बगज रखने वाले होंगे, जो नफरत का बीज बोने वाले होंगे, हर वक्त गीबत करने वाले होंगे, उनकी उम्रें कम होती हैं और वो कैंसर, वो ब्लड प्रेशर, वो शुगर और वो अक्सर बीमारियों का शिकार नजर आते हैं। तो इसलिए सिला रहमी करें, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी, वक्त में बरकत आ जाएगी। और दूसरा अमल मुजर्रब जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अल्लाह के कुरान की ये आयत लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, बहुत आसान है। आप ये रोजाना 3 मरतबा पढ़ लिया करें और ये दुआ किया करें, ए अल्लाह, ये जो कुछ है जमीन व आसमान में अल्लाह तेरा है, तू मालिक है इसका, या अल्लाह तू हमारे लिए बरकत इसमें नाजिल फरमा। और मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सब कायनात उसकी हो जाती है। ये सूरज तेज चल रहा है, चांद तेज चल रहा है, बरकतें उठ चुकी हैं, तो आप जब अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह इसको आपके ताबे कर देंगे। आप ये आयत 3 बार पढ़ें, आपके इल्म में, आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में, आपकी साल में, महीने में, हफ्ते में, घंटों में, दिनों में अल्लाह बरकतें नाजिल करेगा और आप बाकी लोगों से ज्यादा काम करने वाले, सेहत वाले और दीन के काम करने वाले और अल्लाह को राजी करने वाले इंशाल्लाह होंगे और आपको बरकतें नजर आएंगी, हर चीज में बरकत नजर आएगी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।